अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रूबी मिर्ज़ा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ठंडी ठंडी रेसिपी लाई हूँ और वो है हमारा चॉकलेट आइसक्रीम केक। सुन के मज़ा आ गया ना? इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल के आइकन को दबाएँ ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम चॉकलेट स्पंज केक बनाएंगे। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ तो मैंने कहा चलो शॉर्टकट रिव्यू आपको दे देती हूँ। सबसे पहले हम सांचा लेंगे जिसमें हमने केक बनाना है और इसे हम ग्रीस करेंगे। बटर पेपर लगाएंगे, इसके ऊपर ऑयल या मक्खन लगाएंगे ताकि हमारा केक नीचे से चिपके नहीं। ये वो काम है जो हमने पहले करने हैं। एक तो हम इसका पैन तैयार करेंगे, दूसरा क्योंकि हम विदाउट ओवन केक बना रहे हैं तो हम पतीला अपना गर्म करेंगे ताकि वो प्री हीट हो जाए। ये देखें, पतीला हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है, स्टैंड लगा दिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी ढककर नीचे लगा सकते हैं किसी भी पतीले का और इसे ढककर रख दें जब तक हम अपना केक तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें एक हम स्ट्रेनर लेंगे, इसमें हम 1.5 कप प्लेन फ्लोर डालेंगे, मैदा 1/2 कप और 1/2 कप हो गया। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे, 1/2 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, ये एक हो गया, ये 1/2 हो गया, 1/2 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक, 1/2 चाय का चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 4 खाने के चम्मच कोको पाउडर, अब इसे साइड पर करेंगे। 1/2 कप इसमें हम मेल्टेड बटर डालेंगे, इसे मेल्ट करके हमने ठंडा कर लिया था। 1 कप वेजिटेबल ऑयल है और इसमें 1.5 कप शुगर पाउडर डालेंगे। अब हम इसे बीट करेंगे। चार अंडे लेंगे और वो इसमें डाल देंगे। अब इसे इतना बीट करना है कि जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं ये वो सारी क्रीमी फॉर्म में हो जाए और फ्लफी सा हमारा पेस्ट बन जाए। कुछ ड्रॉप्स मैं इसमें चॉकलेट एसेंस के डालूंगी, तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच, और 2 से 3 खाने के चम्मच मैं चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। इससे ये होता है कि जो हमारा स्पंज केक बनेगा उसका फ्लेवर ब्राउनी जैसा हो जाएगा। ये देखें, क्रीमी सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, थोड़े थोड़े करके डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से। अब हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे। ये भी हमारा रेडी है क्योंकि हमने इसे ग्रीस करके पहले ही रख दिया था। अब हम इसमें अपना ये बैटर डालेंगे केक वाला।
जैसे ही बैटर हम इसमें डालेंगे, इसे अब थोड़ा सा हम टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हों वो निकल जाएं। बस अब हम इसे पतीले में रखेंगे क्योंकि वो हमारा प्री हीट हो चुका है पतीला। एहतियात से रखें, बहुत ही गर्म है। अब हम 5 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे और 35 मिनट मीडियम टू लो हीट पर इसे बेक करेंगे अपने पतीले में। ये देखें 35 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे, चेक करेंगे, ये क्लियर आई है, इसका मतलब है हमारा केक रेडी है। अब हम वेट करेंगे कि हमारा केक ठंडा हो जाए, फिर हम नेक्स्ट इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए केक हमारा ठंडा हो गया है, इसे हमने दरमियान में से काट लिया है। केक का जो सांचा है वो लेंगे और थोड़ी सी आइसक्रीम इसके ऊपर लगा देंगे। बस दरमियान में से थोड़ी सी लगानी है ताकि हमारा जब केक बाहर निकालें तो चिपके नहीं। इसमें केक रखेंगे अपना, ये देखें कितना सॉफ्ट है। अब इसमें आइसक्रीम की हम लेयर लगाएंगे, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो आप इस ले सकते हैं, वनीला ले सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए फ्रिज से इसे बाहर निकाल दें ताकि थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और लेयरिंग करने में आसानी हो हमें। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। केक की जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि मैंने इसे 200 में डिवाइड किया था, वो अब हम इधर लगा देंगे। जो दूसरा फ्लेवर है आइसक्रीम का वो मैंने पिस्ता लिया है। इसकी भी लेयर लगा देंगे एक, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही डिलीशियस ये केक बनता है। इसमें चॉकलेट का फ्लेवर केक के अंदर से आ गया, स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉबेरी और पिस्ता आइसक्रीम हो गई हमारी। इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे ताकि क्रिस्टल न जमे और सारा प्लास्टिक रैप से इसे कवर कर देंगे हम। अब इसे 6 घंटे कम से कम या ओवरनाइट इसे रखेंगे, उसके बाद ये हमारा केक रेडी हो जाएगा। मिलते हैं 6 घंटे बाद। ये देखें 6-7 घंटे हो गए हैं। अब हम इसका कवर खोलेंगे। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये जो हमने चॉकलेट अपनी फ्रॉस्टिंग तैयार की थी ये इसके ऊपर डालेंगे। नीचे मैंने डिश रखी है ताकि ये हमारी ज़ाया ना हो। स्पैचुला की मदद से हम इसे अब लेवल करेंगे। अब मैं केक को काटूंगी। ये देखें हमारा आइसक्रीम केक रेडी है। ये इसमें आपको एक लेयर नज़र आ रही होगी पिंक सी, ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है और यहाँ पर ऊपर जो है वो ग्रीन आइसक्रीम है और सारा ये कोटेड है चॉकलेट्स से। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर होता है, इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।